रन ऑल नाइट ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है स्टारिंग लियाम नीसन। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो ज़िंदगी से सब कुछ हार चुका है। वो दारू पीता है, क्रिमिनल है, मर्डरर है, यानी कि वो अच्छा आदमी नहीं है। मतलब ये वैसा कैरेक्टर नहीं है जैसा आपको बाकी मूवीज़ में देखने को मिलता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ बहुत ही कुछ बुरा हुआ है। उसके पास सिर्फ एक ही रात है वो सब कुछ सुधारने के लिए जितनी गलतियाँ उसने अब तक की है। उसका बेटा एक ऐसे आदमी से बचकर भाग रहा है जो लियाम नीसन का पुराना दोस्त है। कुछ तो बहुत बुरा हुआ है और लोग भी मरे हैं, और ये सब कुछ सुधारने के लिए लियाम नीसन के कैरेक्टर के पास सिर्फ एक ही रात है। तो दोस्तों ऐसा एक्चुअली क्या हुआ है और क्या ये सब कुछ ठीक कर पाएगा या नहीं, इसी के बारे में ये मूवी है। ये एक काफ़ी अच्छी एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी स्टोरी भी मुझे पसंद आई। मूवी का डायरेक्शन परफेक्ट है और परफॉर्मेंसेस भी बहुत बढ़िया है। सारे कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है और कैरेक्टर्स के साथ आप आराम से कनेक्ट भी हो जाते हो और उनके लिए आप केयर भी करते हो। मूवी में एक साथ बहुत कुछ चल रहा है लेकिन सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है। लियाम नीसन का कैरेक्टर इतनी बढ़िया तरीके से लिखा है कि उसके साथ आप पूरी तरीके से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। यह लगभग 1 घंटा और 55 मिनट की मूवी है और कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती। मूवी का स्क्रीन प्ले भी एंगेजिंग है, हमेशा आगे क्या होने वाला है ये जानने की एक्साइटमेंट भी रहती है। तो दोस्तों मूवी की राइटिंग भी बहुत बढ़िया है, इसी के साथ साथ मुझे सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ करनी होगी। इसमें आपको सिटी के कुछ बहुत ही बढ़िया लोकेशंस भी देखने को मिलते हैं। सब कुछ एक रात में ही ठीक करना है जिसकी वजह से मूवी का स्क्रीन प्ले भी फास्ट पेस्ट है। किसी को भी आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलता, ना ही हीरो को ना ही विलन्स को। यहाँ पर लियाम नीसन का कैरेक्टर किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं है, ना ही उसे बढ़िया एक्शन करना आता है। यह एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी तरह से टूट चुका है और इसकी वजह से मूवी देखने में और भी मज़ा आता है। मूवी में एक साथ बहुत कुछ चल रहा है तो इसे आपको काफ़ी ध्यान से देखना होगा। एक बात तो माननी होगी, डायरेक्टर ने इतनी सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट की है। एक्शन सिक्वेंसेज भी अच्छे और एंटरटेनिंग है और मूवी आपको बहुत जगह पर थ्रिल भी करती है। हिंदी डबिंग मुझे पसंद आई और इसमें कुछ एडल्ट सीन्स भी है तो इसे आप फैमिली के सामने नहीं देख सकते। प्रो ऑडियंस को भी यह पसंद आएगी और ओवरऑल भी ये एक मस्ट वॉच एक्शन मूवी है। मैं इसे आपको रेकमेंड भी करता हूँ और मैं इस मूवी को दूंगा 7.5/10। इसके अलावा दोस्तों मैंने एबिगेल मूवी का रिव्यू भी कर दिया है, उसे भी आप जरूर चेकआउट करना।